पाप, दरिद्र, दुख और तीन प्रकार के दुसह दैविक, दैहिक, भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है। हे भगवान, यह आर्त आपके द्वार पर पुकार रहा है, क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। वेद और विद्वानों की सम्मति है तथा प्रभु के श्रीमुख के वचन है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है, पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद और लालची लोभ ने निगल लिया है। अर्थात वे अपने स्वाभाविक शम दामादी गुणों को छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। इसी तरह राज समाज क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भर गया है। वे मनमाने रूप में लूटमार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार रूप नित्य नई कुचालें चल रहे हैं और हेतुवाद नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्र पर यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की और कुल की मर्यादा का ढूंढ कर नाश कर दिया है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भली भांति विहीन हो गया है। लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई। ना कोई लोकाचार मानता है और ना शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखंड और पाप में रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं। यथेच्छाचारी हो गए हैं। शांति, सत्य और सुप्रथाएं घट गईं और कुप्रथाएं बढ़ गई हैं तथा सभी आचरणों पर कपट, दंभ की कलई हो गई है एवं दुराचार तथा छल कपट की बढ़ती हो रही है। साधु पुरुष कष्ट पाते हैं। साधुता शोकग्रस्त है। दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है। अर्थात बगुला भक्ति बढ़ गई है, परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया। अर्थात ज्ञान, भक्ति, परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक ना करने से साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई हैं। कामधेनु रूपी पृथ्वी कलयुग रूपी गोमल कसाई के हाथ में पकड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह जमता ही नहीं। कलयुग की करनी कहाँ तक बखानी जाए। यह बिना काम का काम करता फिरता है। इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है। ना जाने इसके मन में अभी क्या क्या है। हे प्रभु, ज्यो ज्यो आप शीलवश इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों ही त्यों यह नीच सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए। आपकी तर्जनी देखते ही यह कुम्हेड़ी की बतिया की तरह मुरझा जाएगा। आपकी बलिया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक यह कहें कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। यह अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी यह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर्क हो गई। हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज होने से सब काम सफल हो गए। शुभ शकुन होने लगे क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जग दिज्ञेय हैं। हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना भाग गई।
सर्वसमर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुण्य रूपी सेना को हारने से जीता लिया। सद्भक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी, परंतु आप ऐसा क्यों ना करते? आपका तो सदा से यह बाना चला आता है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना, जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बैठा देना, जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा देना। हे तुलसी, दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय बहा नहीं दी।